वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ऐसे प्रश्नों को उठा रहे हैं जो बार बार आपके परीक्षा में आपके सामने आते हैं। तो उस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ना चाह रहे हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। विकल्प आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला है, यहाँ पे लिखा है, कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो या फिर आत्म आकलन, सेल्फ असेसमेंट। अब इसमें से एक विकल्प चुनना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात हो रही है सीखने के लिए, सीखने के आकलन के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों विकल्प इस तरह से मिल रहे हैं जो परीक्षक में जो बच्चों के सीखने के आकलन में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जो क्लासरूम का इंट्रैक्शन होता है वो महत्वपूर्ण होता है, प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे सीखते हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से और सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चारों विकल्प सही हैं और इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही होगा, यहाँ पे इसका सही होगा सी वाला, ठीक है, सी में चारों हैं। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, ठीक है, 2020 की शिक्षा नीति के बारे में। तो यहाँ पे विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता की जा सकती है। बी है कि विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। सी है कि विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि की पहचान की जा सके। और अंतिम विकल्प है कि विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। अब यहाँ पे आप देखिए तो इसमें जो विकल्प आपका सही है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ए विकल्प सही है, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग जितने भी शिक्षा नीति हैं, खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी आप इस चीज को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है। देखिए, समावेशन के बारे में बता दूं, समावेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि समावेशन में क्या होता है कि सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं और क्लास में विविधता होती है और इसलिए क्लास में लचीलापन होता है। इतना भी याद रखेंगे तो आपके प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होंगे। विकल्पों को देखते हैं, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को लेकर कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, पूछा था बाधक है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे देखेंगे बी वाला कि केवल कुछ विद्यार्थी। अब हमने बोला था कि बहुत से विद्यार्थी रहेंगे तो विविधता रहेगी, तो सारे विद्यार्थियों को जो है ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है, ऐसा नहीं कि मात्र कुछ विद्यार्थियों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, इंक्लूजन जो समावेशी शिक्षा की बात हो रही थी उसमें भी यही बात आती है कि सभी को शामिल किया जाए, चाहे कोई हाशिए पे हो या ना हो, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित प्रश्न है। अगर आप यहाँ पे देखें तो विकल्प है कि शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समानता, सी है भाग लेने का अवसर और सार्वजनिक वर्तिकाग्र। अब यहाँ पे आप देखें तो सोशल स्टिग्मा, वर्तिकाग्र आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन सामाजिक कलंक, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे क्या होता है, जैसे आपने कई शॉर्ट जो है मूवीज वगैरह बनती हैं, ठीक है, उनमें अक्सर व्यूज वगैरह के लिए या वैसे भी बनती है सोशल मैसेज देने के लिए, कि आप देखे होंगे एक बाप रहता है जो अपने बच्चों को रिक्शा चला के या जूते बना के पढ़ता है लेकिन बच्चों को शर्म लगती है कि हम बताएं कि हम मोची के लड़के हैं या रिक्शा चलाने वाले के हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक बाधा बनती है जिसको ये एक मैसेज समाज में जाता है कि सारे जो है काम होता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सभी की जरूरत होती है। एक नटबोल्ट की जरूरत इतनी होती है कि कोई कार या कोई जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिना उसके तैयार नहीं हो सकता। तो ये चीजें हैं, तो ये बाधा कहीं ना कहीं सामाजिक जो स्टिग्मा है, सामाजिक वर्तिकाग्र आप बोले, ये शब्दों को भी ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। अब यहाँ पे देखिएगा, डिसकैल्कुलिया के बारे में हमने देखा, ये गणित से संबंधित है, ठीक है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है और डिस
प्रक्सिया है। तो ये पूछ रहा है कि सुसंगत रूप से लिखने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसका नाम में ही छुपा हुआ है, इसका जो विकल्प होगा वो बी होगा, ठीक है, डिसग्राफिया याद रखिएगा। चलिए इसका वीडियो मैं आपको आज या कल में डाल दूंगा, तो वहां पे सारे एक साथ आपको नोट डाउन करके दे दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, डिसकैल्कुलिया, अभी हमने चर्चा की, डिसकैल्कुलिया से ग्रसित बच्चों को गणित को समझने में काफी कठिनाई होती है, बात सही है, और डिसलेक्सिया वाक विकार पढ़ने में परेशानी होती है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों को सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि श्रवण बात हो रही है यहाँ पे कि जो विद्यार्थियों के लिए कौन सी बाधा उत्पन्न होगी श्रवण समावेशन में। तो विद्यार्थियों को अपने आप से बात करने सोचने देना, ठीक है, सोचने देने में, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देना या देने देने में, मतलब वो सेंटेंस है आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें, और अंतिम विकल्प है कि दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। अब यहां पे एक जो बात आती है कि भाई कौन सी बाधा उत्पन्न होगी, तो एक बार प्रश्न को फिर से देखें, मैं फिर से उत्तर बताने से पहले आपको बताऊं कि पूछ रहा है, देखिए डिसकैल्कुलिया के बारे में बताया, डिसलेक्सिया के बारे में बताया, यानी कि गणित नहीं कर सकते और बोलने में समस्या है। अब श्रवण के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए क्या होगी, तो आप देखेंगे विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें बाधा उत्पन्न करेगा क्योंकि उनको एक तो डिसकैल्कुलिया की समस्या है, डिसलेक्सिया की भी है, ठीक है, सोचने देने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, टेप से कोई समस्या नहीं है, और मौखिक निर्देश देने में कोई समस्या नहीं है ना, ये थोड़ा सा इस तरह का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों पर मैं एक नोट्स बना के आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है, धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, ठीक है, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो ये तो बहुत ही सरल प्रवृत्ति का सवाल है, आप देखेंगे कि ना तो धीमी समझ है, ना तो जिज्ञासा की कमी है, सोचने में सटीकता की आवश्यकता, नीड फॉर जो आप देखेंगे प्रिसीजन इन थिंकिंग, यही इसका सही विकल्प है, इस बहुत सरल है, कोई भी कर लेगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, अगर जो नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा अभ्यास कर लें, वो भी कर लेंगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसने निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, संकल्पना, मानचित्रण है यहाँ पे, संदर्भहीनता, रूप जो है रूप रेखीयकरण, और सारांशीकरण यानी कि समराइजेशन, इंग्लिश देख लीजिएगा जहां अगर हिंदी में समस्या है, क्योंकि ये पेपर में भी ऐसे ही विकल्प आते हैं आपको। देखिए इसमें जो सही बात ये है कि भैया अगर आप देखेंगे जो ये वाला विकल्प है संदर्भहीनता, बच्चों के साथ हमने कई बार ये देखा है कि बच्चों के साथ अगर आप बातें करोगे ऐसी संदर्भ वाली बातें करोगे जिसको समझ नहीं सकते तो उनके लिए बेकार हो जाएगा, लर्निंग में कोई उसका मतलब नहीं रह जाता ना, तो यहाँ पे कभी भी इस तरह के विकल्प आपको दिखे संदर्भहीनता, संदर्भ होना बहुत जरूरी है, पर्यावरण से ही बच्चे सीखते हैं, ये चीज महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें जो सही आपको टिक करना है वो होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि सुसाध्य विद्यार्थियों में से एक संप्रत्यय के अधिगम को करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक है, जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें, ठीक है, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, और विषय वस्तु से संबंधित आवश्यकता और गैर आवश्यक जानकारियों का मिश्रित करके दें, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। अब यहां पे अगर आप ये वाला विकल्प देखें तो जो बी वाला है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तभी जो है विद्यार्थी के लिए समस्या आएगी। यहां पे आप देखेंगे संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा अगर इंग्लिश को देखेंगे क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है तो मतलब दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए उपयोगी है, पर ये ध्यान दीजिएगा कि कभी इंग्लिश वालों को कोई वर्ड कठिन लगे तो वो हिंदी देख लें, और हिंदी वालों को कोई शब्द समझने में अगर कठिनाई आ रही है तो इंग्लिश का देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, यहां पर पूछा नहीं है, तो एक तो है कि अकादमिक, अगर अच्छा ये बताइए कि बोर जो बोरियत होती है, बच्चे अगर कितना भी अच्छा पढ़ा जाए बोरियत उत्पन्न हो रही है तो क्या बच्चे क्लास में सीख पाएंगे, नहीं सीखेंगे, जिज्ञासा की कमी है, तनाव है, भय, तो बोरियत, तनाव, भय बच्चों को सीखने में हेल्प नहीं करता, जिज्ञासा करती है, तो असफलता का जिम्मेदार नहीं, यानी कि ये सफलता का जिम्मेदार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि एक संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय से जुड़ी
श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहा सकता है, यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं जिससे सारी जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखें तो विकल्प आपका है कि एक भ्रांति के बारे में बता रहा है, एक गैर उदाहरण दे रहा है, एक आद्य रूप दे रहा है, एक अपवाद दे रहा है। भाई अगर जो कॉन्सेप्ट बता रहा है उससे सारी विशेषताएं मिलती है तो उसको आप प्रोटोटाइप बोलते हैं, याद रखिएगा आद्य रूप, क्योंकि आद्य रूप आप समझ नहीं पाएंगे, प्रोटोटाइप तो फिर भी कुछ लोग समझ ले। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इस चीज में इंग्लिश हिंदी को जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये टेस्ट जो लोग लगा जा रहे हैं विश्वास मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसते मिलेंगे। सारे का तात्पर्य ऐसा नहीं कि इसी सीरीज से आएंगे, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं और जहाँ पे नहीं भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो समझा रहे हैं वो चीजें आपकी कवर होती दिखेंगी। प्रश्न नंबर 12 है कि एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए, ठीक है, घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञा, ठीक है, रट कर याद रखना। तो ये तो हमने कई बार देखा है कि रट कर याद करना तो अपने आप ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर ध्यान देते हैं कि मेटाकॉग्निटिव कॉग्निशन। आप याद रखेंगे कि हमने जीन पियाजे का सिद्धांत भी उस पर पढ़ा हुआ है, उसको आप देखिएगा तो इसको समझने में बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, इसका सी विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 13 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देती है। 2005 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2005 में आप देखेंगे सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, वेधन और बार बार अभ्यास पर, सामग्री को रट कर याद करना और उत्तेजना की जो प्रक्रिया का संघ है, उत्तेजन प्रक्रिया संघ है, इसको सीधे से बोलेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो सही उत्तर है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत है, क्योंकि अगर आप इसको, आपको मैं सही बताऊं तो ये कुछ चीजें जो बार बार मिल रही हैं इसको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी आरटीई, कुछ चीजें वीडियो बना के मैं आपको, अब हर संडे को एक वीडियो मिल जाएगा जब तक पेपर हो रहा है, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो मैंने बता दिया था, इसका है ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यहां से किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। भाई भ्रमित कैसे हो गए, तो अपने आप कट गया। ठीक है, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बता दें और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें, ये भी सही नहीं है। ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीम और संरचना को सक्रिय करें और जानकारी को वियोजित खंडों में विभक्त करें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि जो सी वाला विकल्प, ये तो ऊपर के तो दोनों गलत है। ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें, तो यहाँ सी सही होगा। स्कीमा के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्कीमा एक ऐसी चीज है जो आपके पास जो नॉलेज रहता है उसी के बेस पे आगे का नॉलेज बनाने में, आगे की संरचना को सक्रिय रूप से जो है संज्ञानात्मक ज्ञान बनाने में, यानी कि जो भी वस्तुएं घटी हैं, जो भी हो रही हैं, उसी के ज्ञान के आधार पर आगे का ज्ञान डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलें तो अधिगम मतलब लर्निंग असहायता लाचारी तब महसूस करता है, यानी कि पढ़ाने वाला या पढ़ाई लर्निंग तब असहाय महसूस करता है जब एक विद्यार्थी ये मानता है कि क्या, विकल्प देखिए, क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित है। ठीक है, दूसरा है कि प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, ये भी नहीं है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम को नियंत्रित करता है, और अंतिम है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये महसूस करता है, तो यानी कि बोलता है कि हम पढ़ेंगे और उसका परिणाम ही कुछ अनसर्टेन टाइप का है, अनकंट्रोलेबल है, तो इससे उसका मनोबल डाउन होगा, तो इसका यहाँ पे देखेंगे तो डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, सी है कि शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, और डी है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें प्रश्न अगर आपने ठीक से पढ़ा तो बहुत आसानी से आप बता देंगे कि गतिविधि के रुचि के कारण अध्ययन, क्योंकि ये पूछ ही रहा है कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि मोटिवेशन आपका अंदर से क्या आएगा। ठीक है, एक गतिविधि में रुचि, जब तक आपको रुचि नहीं पैदा होती तो मोटिवेशन थोड़ा सा अलग है, कोई ना कोई रीजन बहुत होना चाहिए, खासकर जब उस काम में ही रुचि है तो मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है, पबजी खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्योंकि अंदर से ही उसमें जो है आपकी रुचि है।
प्रश्न नंबर अगला 17 है कि निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, यह है कि यह टिन और जस्ता का जो बोलते हैं मिश्र धातु है, यह एक यौगिक है। अगला विकल्प है कि यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है, और डी विकल्प है कि यह कॉपर और जस्ता का समांगी मिश्रण होगा। यहाँ पे समांगी लिखा है, तो इसमें अब आप ये तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत से लोग इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न आते हैं और जिन लोग को नहीं पता है वो अपना थोड़ा सा ध्यान देके जाएं। इसका सी सही होगा। ठीक है, कॉपर और टिन की ये मिश्र धातु है। कॉपर मतलब अगर आप बोले तो इसको कांसा भी बोलते हैं ब्रॉन्ज को, तो कॉपर यानी ताबा और टिन का मिश्र धातु है। जब मिलाया जाता है तो थोड़ा सा और भी मजबूती बन जाता है, और उसके बर्तन हो गए, सिक्के होते हैं, घंटियां वगैरह इसी की बनती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता, यानी कि जो फूड कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन कहेंगे हम, कंजर्वेशन नहीं यहाँ पे लिखा भी है, उसको सही तरीका नहीं है। जैसे कि सेब और मुरब्बा, ये तो प्रिजर्वर उसमें मिलाए ही जाते हैं। ठीक है, कोई अच्छा फेमस प्रिजर्वर, जो प्रिजर्वर होता है उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? ज्यादातर चीजों में वो डाला जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, शायद इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन जिनको पता है वो कमेंट जरूर करें। दूध और पनीर अधिकतम दिन तक होगा, कच्चा आम का अचार और दाल पापड़। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूध और पनीर जो है ये अच्छा कह सकते हैं कि प्रिजर्वेशन इसका नहीं हो सकता बहुत दिन तक, कुछ दिन में खराब होने लगते हैं। सेब मुरब्बा अचार, और क्योंकि जहाँ पे ये तो चीज़ें तली भुनी होनी चाहिए तो नमक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे सॉल्टी चीज़ रहती है जो ज़्यादा दिन तक चलती है, और ये दूध नहीं चलता, ये विकृत होने लगता है। प्रश्न नंबर 19 है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट के रेबो, इसमें याद रखिए रेबो है, मतलब उस टेंट को रेबो कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे और जानवरों के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? लेखा। अब बात ये आती है कि भैया ये पाए कहाँ जाते हैं ना, तो यानी कि रेबो कहाँ पाए जाते हैं और उनके जानवर जो लोग रहते हैं वो रेबो में रहते हैं, उनके जानवर जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? लेखा में। तो इसका नाम लेखा से याद रखिएगा कि यहाँ पे होगा लद्दाख, लेह और लद्दाख। ठीक है, अब होता क्या है कि लेह और लद्दाख में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़े बड़े तिकोने टाइप का टेंट लगाते हैं वहाँ पे, उसको रेबो बोलते हैं, और उसके बगल में जो है जानवरों के लिए भी स्थान बनाते हैं, इसको लेखा बोलते हैं। जानवरों की बात करें तो याक और बैल जो यहाँ पे रहते हैं ये लोग पालते हैं। चांगपा लोग यहाँ पे जो है ये लोग इसका घर बनाते हैं, यहाँ पे जनजातियों का नाम भी याद रखिएगा, चांगपा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है ना, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि जो हमारे देश में अभी 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं? तो मैं एक बार नाम बता दे रहा हूँ, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक ही में जुड़ गए, पहले अलग थे, दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और पुदुचेरी हो गया आपका अपना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जो जिनके राज्य समुद्र तट यानी कि अरब सागर से मिलते हैं। अब अरब सागर वाली बात अगर आप देखें तो भारत का ये जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ये क्या है, अरब सागर में आ जाता है ना, और ये आपका हिंद महासागर हो गया, उसी का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ से अगर ऐसे आप लें तो ये आ जाएगा। अब विकल्प जो है, थोड़ा विकल्प तरफ देखिए, तो हमने सब हटा ही दिए, गूंज गाज दिए, ठीक है, इसको देखते हैं विकल्प की तरफ। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा। तो भैया देखो, उड़ीसा तो यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है, तो होगा नहीं। कर्नाटक और केरल आप कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश इधर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, विकल्प ये कट गया। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बात ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ना। तो अब इन दोनों विकल्पों में से आपको एक चुनना है। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु थोड़ा सा ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें पहला विकल्प आपका सही होगा। हालांकि तमिलनाडु को भी कह सकते हैं थोड़ा सा टच कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा होगा एकदम क्लियर। जब हमारे पास विकल्प उन्हीं को मारा जाता है जो सबसे सटीक होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिए, चाहे यूपीएससी का ही पेपर क्यों ना हो, कोई भी पेपर हो, वो चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कई विकल्प, यूपीएससी वगैरह में तो यही प्रॉब्लम होती है, उसमें कई विकल्प सही प्रतीत होते हैं, लेकिन जो सबसे सही होता है वही हमें लगाना होता है, अपने दिमाग का प्रयोग करना होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि छाऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है, लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और मिजोरम। अब ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है,
अब लेकिन छाऊ नृत्य के बारे में जो मैं मेन चीज बताऊं आपको कि इसमें कहाँ कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे छाऊ नृत्य के बारे में तो आप देखेंगे कि ये यूपी में पाया जाता है, ठीक है, यूपी, यूपी के अलावा आप देखेंगे कि असम में पाया जाएगा, ठीक है, जो विकल्प है, अच्छा ये देखिएगा। तो अब छाऊ नृत्य की अगर हम बात करें, सॉरी मैंने थोड़ा सा ये आपको बता दिया, तो छाऊ नृत्य की बात करें तो छाऊ नृत्य जो यहां पे होगा ये आपका जो रीजन पाया जाता है इसमें कौन था, ये छत्तीसगढ़ के आसपास ही पाया जाएगा, एक्चुअली छत्तीसगढ़ में भी नहीं होता ये नृत्य, आपका बंगाल, ठीक है, असम मैंने बताया असम के पास पाया जाता है बंगाल। अब इसमें यही प्रॉब्लम ही है, इस उत्तर में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी नहीं है बेसिकली, लेकिन कुछ कुछ फॉर्म यहाँ प्रैक्टिस किया जाते हैं, यूपी में नहीं किया था, थोड़ा गलती से मैंने बता दिया, यूपी में नहीं होगा, लेकिन मूलतः ही जो अगर पूछा जाए बंगाल आपका हो गया, ओडिशा हो गया, ठीक है, ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया आपका, तो यहाँ मेन मूल रूप से पाया था, लेकिन इसका थोड़ा सा जो है आप इसका जो विकल्प अगर जिस कारण से नहीं दिया है तो ये एक्चुअली प्रश्न आया भी है और इसको जो है छत्तीसगढ़ माना गया है, इस कारण से इस प्रश्न को उठाने का कारण ही था, इसलिए मैंने रखा था ताकि ध्यान रखें कि इस तरह का दोबारा आ जाए और दोबारा इस तरह के विकल्प को सही माने तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं पाएंगे बंगाल उड़ीसा और झारखंड जैसे जगहों पर छाऊ होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी इसने सही माना है, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है नृत्य, जैसे कि कोई कोई फॉर्म आता है, लेकिन मूल रूप से देखेंगे कि कोई जो नृत्य होते हैं वो इन राज्यों में किए जाते हैं ये छाऊ के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ चले तो हमारा अगला प्रश्न है कि केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और विचार में लिखा है कि केचुए खेत में छेद बनाते हैं और वायु और जल को मृदा मृदा तक पहुंचाने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी है केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन की पोली बनाते हैं, यानी कि उसको खाली खोखलू कर देते हैं, पोपला कर देते हैं। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। और डी है कि केचुए का मूल मृदा को उर्वर उपजाऊ बनाता है। इसमें से कौन सा सही है? तो आप यहां पे देखेंगे कि मैं आपको बता दूं कि कौन सा गलत है, छाट ले तो आपको सही जल्दी मिल जाएगा इन सारों में। तो आपने अगर ये वाला विकल्प पढ़ाओ सी वाला, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। नहीं भाई, खरपतवार का तो भोजन करते हैं, ठीक है, और उसी से तो जो भोजन करते हैं उसके बाद जो छोड़ते हैं वेस्ट उसी से तो खाद बनती है। तो अगर आप सी छाटे तो देखेंगे कि आपको उत्तर देखता हुआ, देखिए यहीं पे आपको ये, वैसे तो इसमें सी है, इसमें भी सी है, ये वाला तो इसमें सारे हैं, ये केचुए मृदा को उर्वर बनाते हैं, तो डी भी सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये डी वाला विकल्प, ये वाला सही होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होगा डी वाला सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं, ठीक है, ईवीएस क्या है आप लोग जान रहे हैं, एनवायरमेंट से संबंधित जो अध्ययन होता है। विकल्प है कि विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं, बात सही है, विद्यार्थियों को शिक्षा एवं साथियों के आमने सामने बातचीत करने को मिलता है, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद आपका सी वाला आता है कि विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। भाई अगर आप, ये तो एकदम से गलत है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, अगर आप चौकन्ने नहीं रहेंगे, कहीं बगल वाले पे ध्यान रहेगा आपका, चाहे क्लास में हो चाहे कहीं भी हो मोबाइल देखते रहेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। और डी है कि मिश्र विद्यार्थी अपने ऑनलाइन पढ़ाई से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधियों को पूरा करते हैं, तो बात सही है। तो यहाँ पे सी वाला अगर आप छाड़ दें तो आपका जो विकल्प सही होगा, ठीक है, सारे में सी है, तो ये आपका अपने आप जो है, ये वाला यहाँ का सी वाला नीचे वाला जो सही है ये अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत सरल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक, ठीक है, शिक्षण की विशेषताएं हैं, कैसा बोल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से। विकल्प देखिए, विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हो सकते हैं, बात सही है, जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। और डी है कि शिक्षक किसी भी समय पाठ सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग जिसका विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा सही होगा? भाई ऑनलाइन की बात अगर लाइव पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं ना, स्टूडेंट आर एबल टू ज्वाइन क्लास एट एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम। तो यहाँ पे अब पूछा क्या है, विशेषताएं हैं। अब क्योंकि विकल्प ऐसा है कि इसमें से चार में से एक चुनना है, मैं फिर वही बात है कि बेस्ट विकल्प चुनना है,
शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत कर सकते हैं, ऑनलाइन की बात हो रही है, हाँ लाइव क्लास रहेगी तो बात हो सकती है, जैसे कि जूम ऐप वगैरह से जो क्लासेस चलती हैं, गूगल मीट्स वगैरह से उसमें बातें होती हैं। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिलता जाता है, शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री को समझाने में सक्षम होते हैं विद्यार्थी। देखिए इसमें जो सबसे सटीक बात है जो ऑनलाइन के उसमें कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो इसमें सही उत्तर आपका बी होगा, क्योंकि रियल टाइम में बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से आज का ये पूरा होता है, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।